पिछले कुछ वर्षों में IVF निसंतानता की समस्या से परेशान कपल्स के लिए एक बहुत ही सफल ट्रीटमेंट के रूप में उभरा है। IVF की लगातार बढ़ती सफलता के दर के साथ अलग अलग IVF सेंटर्स अब अपने अलग अलग खर्च पर IVF प्रोसेस द्वारा निसंतानता का इलाज प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे में निसंतान कपल्स के लिए सबसे बड़ा संघर्ष हो जाता है उनके निसंतानता के ट्रीटमेंट के लिए उचित प्रबंधन के साथ साथ कम खर्च में अच्छी सफलता दर वाले एक उपयुक्त IVF सेंटर का चयन करना। तो ये कैसे तय करें कि आपको अपने इलाज के लिए कौन सा IVF सेंटर चुनना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अपने निसंतानता के इलाज के लिए एक IVF सेंटर चयन करने समय आपको किन किन पैरामीटर्स पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आपको अपने IVF जर्नी को शुरू करने से पहले ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको ये देखना चाहिए कि जिस IVF सेंटर का चयन आप करने जा रहे हैं वे IVF सेंटर प्रॉपर अथॉरिटीज द्वारा रजिस्टर्ड है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, नीलकंठ IVF राजस्थान का पहला NABH सर्टिफाइड IVF सेंटर है, जहां आपके इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता के इलाज में सहायता के लिए यूज होने वाली सभी न्यू टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है और जहां के एक्सपीरियंस फर्टिलिटी एक्सपर्ट भी निसंतानता से जुड़े आपके सवालों को दूर करने में सहायक है। इसके बाद आपको यह देखना चाहिए कि आपके IVF सेंटर के पास सभी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स जैसे IUI, IVF, ICSI, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर आदि अवेलेबल हो, क्योंकि हर कपल को अपनी इनफर्टिलिटी की समस्याओं के हिसाब से सही ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। IVF सेंटर में इन हाउस फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट एम्ब्रोलॉजिस्ट और क्वालिफाइड स्टाफ की टीम भी होना चाहिए, ताकि आपका ट्रीटमेंट प्रॉपरली मैनेज्ड हो और वह टीम वहां सेंटर पर आपके इलाज के समय उपलब्ध रहे। IVF सेंटर में नई टेक्नोलॉजीज और आधुनिक उपकरणों के साथ एक इन हाउस एम्ब्रोलॉजी लैब भी होनी चाहिए, क्योंकि उसी लैब में एम्ब्रो बनते हैं और विकसित होते हैं। अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ अच्छे एम्ब्रो डेवलप के लिए लैब में प्रॉपर एटमॉस्फेयर को बनाए रखा जाना चाहिए। नीलकंठ IVF के 20 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ हर नीलकंठ IVF सेंटर में एम्ब्रोलॉजी लैब, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट और एम्ब्रोलॉजिस्ट की एक्सपर्ट टीम मौजूद है। एक IVF सेंटर की सफलता दर तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें अपने पेशेंट्स के साथ ट्रांसपेरेंट भी रहना चाहिए, क्योंकि पेशेंट के गर्भधारण की संभावना अलग अलग मामलों में अलग अलग हो सकती है और किसी भी IVF सेंटर की सफलता के दर के साथ साथ आपको उस IVF सेंटर से उनके कैरी होम बेबी रेट के बारे में भी पूछना चाहिए। इसके अलावा आपको एक ऐसे IVF सेंटर का चयन करना चाहिए जो आपके IVF ट्रीटमेंट से लेकर आपके बच्चे की डिलीवरी तक आपके साथ हो। हमारी आपको सलाह है कि अपने IVF जर्नी की शुरुआत करने से पहले और अपने IVF सेंटर के चयन से पहले इन पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान में रखें। नीलकंठ IVF ने सफलतापूर्वक 10,000 से ज्यादा प्रेगनेंसीज को पूरा किया है और अपनी 20 से अधिक वर्षों की यात्रा में हजारों निसंतान कपल्स के सपनों को पूरा किया है। तो अब आपको इंतजार किस बात का है निसंतानता की सफलता से जुड़ा? यदि कोई आपका सवाल हो तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें और हाँ, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अपने IVF के इलाज के लिए उपयुक्त IVF सेंटर का चयन कर सकें।